15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो हमें नहीं मिली, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। लगभग 100 साल पहले बाबा साहब उस मटके को नहीं छू पाए, आज भी हमें मटके पानी का मटका छूने की आजादी नहीं है, उस आजादी में जी रहे हम लोग। देश की ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी। कि क्या आज से पहले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ देश में? और आज अमृत महोत्सव के नाम पे, कौन सा अमृत महोत्सव जिसमें पीट पीट के हमारी हत्या कर दी जाएगी, उस अमृत महोत्सव की आजादी मनाए हम लोग? मैं पिछली बार गया था, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक देगा, मैं इस बार भी जा रहा हूं 18 तारीख में, हो सकता है मुझे रोक दे, हो सकता है कि वो मुझे जेल भेज दें जयपुर की तरह, जब मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं नहीं डरता उनकी जेल से। लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इस बार मेरी लाश तो वापस आ जाएगी, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब मैंने लाइव की बात रखी थी तब इंद्र कुमार की जानकारी मुझे नहीं थी, तब मेरे दिमाग में कुछ और था। लेकिन कुछ ही देर बाद इंद्र कुमार मेघवाल, वो 9 साल का एक छोटा भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी जानकारी मुझे मिली। अब मैं वो बात रखना चाहता हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो हमें नहीं मिली, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। जो बुनियादी समस्या हमारे जीवन में है उनसे तो हमें आज भी आजादी नहीं मिली। वो आजादी हमें अंग्रेजों से मिली लेकिन ब्राह्मणवाद से नहीं मिली। उस आजादी के तत्काल बाद हम ब्राह्मणवाद के गुलाम हो गए। आजादी सिर्फ सांस लेना नहीं है, आजादी का असल मकसद है सामाजिक समानता, न्याय, समान अवसर, बंधुत्व, भाईचारा। लोगों को के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, ये आजादी का ही एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कहां की आजादी। पहला संदेश मेरा देशवासियों के लिए था, लेकिन दूसरा संदेश मेरा बहुजन समाज के लिए। कौन सी आजादी? वो आजादी जिसमें हमें आज भी, लगभग 100 साल पहले बाबा साहब उस मटके को नहीं छू पाए, आज भी हमें मटके पानी का मटका छूने की आजादी नहीं है, उस आजादी में जी रहे हम लोग। हम अपनी बात को कह नहीं सकते, गुलामी, बेगारी, परेशानियों में हमारा जीवन है। सुबह उठ के हम संघर्ष के दौर में निकल जाते हैं, शाम में घर आते हैं इस बात के साथ कि चैन से कुछ घड़ी सोने को मिलेंगे। इतना जुल्म तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ जितना जुल्म आज की सरकारों में, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में जो हमारे ऊपर हो रहा है। जितनी तमाम तरह की समस्याएं आज की सरकारों ने, क्योंकि सत्ता का एक चरित्र था, हमारे सामने खड़ी की, और परसों की घटना के बाद बहुत कुछ बदला है। सत्ता का चरित्र देखा हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारे साथियों ने। तो पहली बात, देश की ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी। आजादी तब मिलेगी जब इस देश से गरीबों को आजादी मिलेगी, गरीबों को भी आर्थिक समानता मिलेगी। जब छुआछूत, जातिवाद, धर्म संप्रदाय के नाम पे जो नफरत बट रही है, भ्रष्टाचार, जब ये खत्म होगा, जब आदमी पे आदमी का शोषण खत्म हो जाएगा, तब इस देश में आजादी, असली आजादी आएगी। वो आजादी जो सिर्फ किताबों तक सीमित। साथियों, मैं जब पढ़ता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि ब्राह्मणवाद की गुलामियों में जकड़े हुए हम लोग,
और इसका उदाहरण है कि हम पैदा होते नीच हो जाते हैं भारत की जाति व्यवस्था में। एक बच्चा जो उसी प्रक्रिया से जन्म लेता है जिस प्रक्रिया से सभी बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके माथे पे जाति का टैग होता है कि वो नीच जाति का है। उससे कर्म वो फूल सा नाजुक बच्चा, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या, उसका जीवन क्या है, वो कहां जन्मा है। वो उसको पहला ज्ञान उसके परिवार से मिलता है, उसको ये भी नहीं पता होता क्या खाना है क्या पीना है, उसको अच्छे बुरे का भी नहीं पता, गर्म ठंडे का भी पता नहीं होता, लेकिन उसको हाँ ये पता होता है भारत में कि वो किस जाति समुदाय में जन्मा है। तो ये ब्राह्मणवाद ने जो जाति व्यवस्था बना के, और ये जो गुलामी, ये जो भाईचारा तोड़ने का षड्यंत्र, देश को विखंडित करने का षड्यंत्र जो ये किया गया है, उसके कारण आज भी देश में भाईचारा नहीं। हम आजादी तो मना रहे हैं, हम तिरंगा लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन हम घूम कहां रहे हैं और मना क्या रहे हैं? कहीं हम मजबूर हैं कि हमें आदेश है सरकारी डिपार्टमेंट के, कहीं मजबूर हैं मैं स्कूलों के आदेश है, कहीं मजबूर हैं कि हमें दिखावा करने के लिए आजादी मनानी पड़े। क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज से पहले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ देश में? और आज अमृत महोत्सव के नाम पे, कौन सा अमृत महोत्सव जिसमें पीट पीट के हमारी हत्या कर दी जाएगी, उस अमृत महोत्सव की आजादी मनाए हम लोग? क्या अब से पहले तिरंगे का लोग सम्मान नहीं करते थे? क्या तिरंगे के लिए जान नहीं देते थे? ये संघ के लोग बताएंगे या आरएसएस बीजेपी के लोग बताएंगे कि भाई तिरंगे का सम्मान करना, और जिन्होंने कभी तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा लगने के बाद लगाने वालों को पीटा, उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया, ये लोग जो जाति धर्म में बांट के धर्म संप्रदाय की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके इस देश में नफरत के जो है बीज तैयार कर रहे हैं, नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, आज ये लोग जो है देश के तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। इस तिरंगे का सम्मान उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है देश की आजादी में भी, और उसके बाद आज भी बॉर्डर पे जो है गंदी राजनीति के जो लोग शिकार होते हैं, जो देश के जवान, उन परिवारों से पूछो कि इस तिरंगे की क्या अहमियत है। आज इस तिरंगे को बाजारू कर दिया गया, कोई तिरंगे को उल्टा पकड़ के खड़ा है, कोई तिरंगे को दिखावा करने के लिए, कोई तिरंगे को अन्य झंडों से नीचे लगा रहा है, कोई कूड़े के ठेली में तिरंगा लेके जा रहा है, कहीं जबरन जिनके पास खाने को रोटी नहीं, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय गिर रही हो वहां 20 रुपए का झंडा लेना आपकी मजबूरी, अगर राशन भी लेना हो, मैं तो गांव देहात से आता हूं, मैंने देखा कि 20 रुपए का झंडा लेना पड़ेगा तब जाके आपको राशन मिलेगा। पुलिस ने कहा कि अपनी ठेली पे, अपनी रिक्शा पे, अपने ऑटो पे, अपनी गाड़ी पे लगाओ झंडा अगर यहां चलानी है तो। ये डरा धमका के आजादी का उत्सव मनाया जा रहा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा सरकारों द्वारा। खैर इस झूठी आजादी को तो हम लोग, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं तो इस अन्याय के साथ भी सह रहे हैं, लेकिन जो घटना राजस्थान में घटी अब उस पर बात करनी बहुत जरूरी। इस देश में इंसान की पहचान उसकी जाति की वजह से, ना कि उसके कर्म की वजह से। जालौर में जो हुआ, वो 9 साल का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता था कि ऊंच नीच क्या होता है और जाति क्या होती है, जाति जन्म से होती है या कर्म से होती है या धर्म से होती है, उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि उसका अपराध था, उसने मटकी छुई थी। जब मैंने वो पहली बार उस फोटो को देखा तो मैं सिहर गया, जब मैंने उसकी आवाज सुनी, जब उसके पिताजी उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, उसको आवाज लगाते कहते हैं कि अगर मेरी आवाज आ रही तो हेलो करके हाथ हिला, जब मैंने उसको देखा
तो मैंने महसूस किया कि जिस बच्चे को 9 साल तक उसके माता पिता ने पाला होगा, आज उन पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी सेहत, सब चीजों को दांव पे रखे उसको जन्म दिया होगा, और वो मर क्यों गया? क्योंकि उसको जातिवाद, वो जातिवाद की भेंट चढ़ा। उससे पहले जितेंद्र मेघवाल पाली में, वो जातिवाद की भेंट चढ़ा सिर्फ मूछे रखने की वजह से। ये ब्राह्मणवाद है जो आपको जाति के हिसाब से नीच बना के और आपको, आपके अधिकारों को, आपकी स्वतंत्रता को रोक देता है। और अगर आप जो अधिक बुनियादी अधिकार संविधान ने आपको दिया, आप उनको, उनका पालन करना चाहो, उनको ग्रहण करना चाहो, उनका आनंद लेना चाहो, फिर कुछ लोगों की जातीयता को, के दंभ को जो है ठेस पहुंच जाती है और वो आपकी हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने एक धोखा मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया जब जितेंद्र मेघवाल के परिवार के लिए उन्होंने समान न्याय की बात की, इसलिए मेरी उनसे उम्मीदें खत्म हुई क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जब इंद्र कुमार की हत्या हुई, उसकी जान गई, 23 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया, उल्टा दबाव बनाया गया उस परिवार पे। कल जब उनके परिवार के लोग चाहते थे कि उनको समान न्याय मिले जैसा कन्हैया के परिवार को मिला, ऐसा समान न्याय उनके साथ हो, और समाज के लोग भी चाहते थे, तो पुलिस ने उन लोगों को वहां पीटा। सबसे पहले बात करूंगा उसके पिताजी की, उसके पिता को पीटा, उसकी बुआ को पीटा, उसके पिता के भाइयों को पीटा, उसकी मां को पीटा। ये कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार का न्याय? मैंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल से कि न्याय मांगने पे चमड़ी दलितों की कैसे उधेड़ी जाती थी, ये आप अशोक गहलोत से सीखिए। और उसके पिता, उसके परिजनों को कैसे पीटा जाता है, कैसे न्याय की मांग करनी, आपने देखा जाति व्यवस्था का कितना बड़ा असर है कि मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पाए पुरोहितों के खिलाफ कि वो जितेंद्र के परिवार की मदद करते हैं। झूठ बोलते रहे, लेकिन यहां इतना बड़ा असर है कि कभी आपने सुना कि पीड़ितों को पीटा गया हो? ऐसा हमने हाथरस में सुना था, वहां बीजेपी की सरकार थी। और आपको सत्ता का चरित्र देखना है तो यहां देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है। सत्ता का चरित्र एक है, उन्होंने उसके परिवार को पीटा, डरा धमका के जबरन उसके, उस बच्चे के शव को जला दिया गया। हमारे कार्यकर्ता वहां थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें वहां पीटा, वो निहत्ते थे, इतना पीटा कि उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर उनकी टांगे तक जो है वो तोड़ दी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट। जब अभी मेरी मोतीलाल से बात हुई, उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे आपकी एक बात याद आई जो आपने मुझे 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी सब लोगों को, कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो लाठी के आगे भागे ना, उसका टटकर सामना करे। फिर मैं भागा नहीं वहां से, उन्होंने मुझे खूब पीटा। उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे पीटा, जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी पलके उखाड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरी मूछे उखाड़ने की कोशिश की। अगर मैं इस बात पे मैं उनके साथ झगड़ा तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला किया, उन्होंने मेरे बाल खींचे, उन्होंने लाठी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारी, उन्होंने मुझे गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्होंने बाबा साहब को गालियां दी। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जब मेरी चंदा बहन से बात हुई तो उसने बताया कि भैया मेरी नाक पे चोट लगी, लेकिन हम नहीं भागे। लेकिन मुझे, चंदा ने मुझसे कहा कि भाई मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे चोट लगी, लेकिन उसके पिताजी को पीटा गया, उसकी माँ को पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनको डराया धमकाया गया। मैंने पूछा कि सब कैसे जला तुम लोग वहां थे, तो कहा कि पुलिस ने हमें उठा लिया।
और पुलिस ने सब जबरन जलवाया। हमने हाथरस में देखा तो हमने ये भी देखा कांग्रेस के सीनियर नेता वो लड़ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि नहीं ये अन्याय हुआ है, लेकिन जब वहां आपकी सरकार अन्याय करती है, जब वही जाति आपकी सरकार करती है, तब आपका दलित प्रेम कहां चला जाता है? तब क्यों आप अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते, क्यों नहीं पूछते? एक और साथी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह पीटा। ये है न्याय के लिए आवाज उठाने का परिणाम और ये है सेकुलर कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान की। मुझे पता लगा कुछ एक वहां के कुछ जनप्रतिनिधि ने हिम्मत जुटाई कि इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की, लेकिन मैंने तो कल ये लिखा और मैं ये सोच भी रहा था, मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि आप जो नेता वहां कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में हैं, बीजेपी या ऑन बोर्ड पार्टियों में जो स्पेशली बहुजन समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, वो गुलाम से बढ़कर क्या है? अगर वो अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहे, अगर उनके बच्चों की हत्या हो रही है वो चुप हैं, तो वो उनकी राजनीति का क्या फायदा है समाज को? क्या वो राजनीति अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, समाज के फायदे के लिए? मैं पिछली बार गया था, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक देगा, मैं इस बार भी जा रहा हूं 18 तारीख में, हो सकता है मुझे रोक दे, हो सकता है कि वो मुझे जेल भेज दें जयपुर की तरह, जब मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं नहीं डरता उनकी जेल से, लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इस बार मेरी लाश तो वापस आ जाएगी, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा कि पिछली बार भी जब पाली में अन्याय हुआ, उदयपुर की टीम, उदयपुर संभाग की पूरी टीम, जोधपुर संभाग की पूरी टीम में कैसे मेरे के कार्यकर्ता अपने खून पसीने कमाई से साधन लेके वहां आया इस उम्मीद के साथ कि हमें न्याय मिलेगा। मैं फिर उनसे अपील करूंगा पूरे राजस्थान के साथियों से कि 18 तारीख को वो जरूर पहुंचे उस परिवार के पास। मेरे जाने से पहले कांग्रेस के नेता भी और अन्य पार्टियों के नेता भी बेचारे उस लड़ाई को लड़ने के लिए जाने का प्रयास करेंगे। मैं उनका उन नेताओं का धन्यवाद देता हूं जो जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं तानाशाह मुख्यमंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि सत्ता परमानेंट के लिए नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती। मैंने कल भी कहा था ये लाठी आपने उसके परिवार पर नहीं चलाई, क्योंकि वो तो दुखी पीड़ित परिवार है, ये लाठी आपने उस परिवार पर नहीं चलाई, ये आपने इंद्र कुमार के पिताजी पर नहीं चलाई, उसकी माँ उसकी बुआ पे उसके ताऊ पे नहीं चलाई, उसके भाई पे नहीं चलाई, ये लाठी आपने पूरे दलित समाज की पीठ पे चलाई और इसका हिसाब जो है समय आने पे जरूर दिया जाएगा सत्ता बदले की। ऐसी निकम्मी नालायक सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री भी सत्ता से बेदखल होंगे, किसी के बच्चे के जाने के बाद उसके परिवार को दर्द में पीटना, उसके बाद चैन से सो जाना, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या जमीर मर गया है? क्या सत्ता के आगे इतने लालची भेड़िए बन गए हैं कि ये भी भूल गए हैं कि इंसानों की जीवन की कुछ कीमत होती? क्या 5 लाख रुपए जो कीमत लगाई है मुख्यमंत्री ने दलितों की मां पर ऐलान करके, क्या वो वापस ला सकते हैं 5 लाख रुपए में हमारे इंद्र कुमार को, हमारे छोटे भाई को? क्या वो जितेंद्र मेघवाल को लौटा सकते हैं? मुझे कितना अन्याय उस सरकार में, राजस्थान की सरकार में कितना अन्याय, अंग्रेजों की सरकारों में भी नहीं होता। जनरल डायर ने भी ऐसे हमला नहीं कराया होगा नित्य लोगों पे, यह समझे जनरल डायर ने जैसे नित्य लोगों पे हमला कराया, ऐसा हमला कराया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसीलिए कि उनकी न्याय की आवाज ताकतवर ना बने। क्या सत्ता में बैठे लोगों का जमीर मर गया है? एक बाप ने अपना बेटा खोया, एक मां की कोख जो है वो सुनी हुई, उजड़ गया उनका घर, उनके सपने, और उनको पीटते हुए शर्म नहीं आई इस सरकार को? फिर नेट बंद करवा देते हो इसलिए कि अन्याय के बाद जो अन्याय आप लोग वहां कर रहे हो दूर तक ना जाए? तो आपको क्या लगता है कि ये शोषितों की आह दूर तक नहीं जाएंगे? जाएंगी। आपको क्या लगता है इनकी सुनाई करने वाला कोई नहीं है? अगर आपकी सत्ता सरकार में बैठे चमचे नहीं बोलेंगे, वो जो कैबिनेट रैंक और तमाम पदों पर बैठ के जो है वो जो लोग बैठे वो नहीं बोलेंगे, तो क्या आपको लगता है कोई नहीं बोलेगा? नहीं, वो जो लोग लाठियां खा रहे थे उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है इस समाज के लिए।
मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से भी, वो कब जाएंगे उस परिवार से मिलने। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से भी कि कौन सा आजादी का महोत्सव जहां आज भी ये इतनी गैर बराबरी है कि मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने पे, मटकी छूने पे, मंदिर जाने पे हमारी हत्या हो जाती है, हमारी हमारे बदन से हमारी खाल को उधेड़ दिया जाता है, हमारी चमड़ी खींच ली जाती है। हम कौन से आजादी का महोत्सव मनाए? तो मैं तकलीफ में तो हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि शोषितों को ये सहना पड़ेगा जब तक वो अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे। बाबा साहब ने भी कहा, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसका बदला जरूर लेंगी, लेकिन अगर आप अन्याय सहते हुए मर जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। उन्होंने कहा बलि बकरों की दी जाती, शेरों की नहीं। उन्होंने हमें सिखाया शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। हम शिक्षित लोग हैं, अगर हम अपने समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय खिलाफ, जो समाज के साथ अन्याय उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उन्होंने कहा कि सम्मान का एक घंटे का जीवन और गुलामी का हजारों साल का जीवन, उस सम्मान का एक घंटे का जीवन, एक दिन का जीवन उस हजारों साल के जीवन से बेहतर। हम यहां गुलामी सहने के लिए पैदा नहीं हुए। क्यों हमारी चीखे सरकार को सुनाई नहीं देती? क्यों हमारा अन्याय जो वहां अशोक मेघवाल के परिवार के साथ, तो क्यों नहीं दे पाई सरकार ये न्याय? रोज वहां दलितों के साथ अन्याय होता है, कभी वहां सामूहिक रेप होता है चूरू में, कभी थाना गाजी में सामूहिक रेप होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब तो आंसू भी सूख गए हमारे लोगों के, अब तो उनकी आवाजें भी कुंद गई है, अब तो वो इशारे से भी नहीं बता पाते। इतना अन्याय, और फिर अन्याय के बाद के खिलाफ आवाज उठाने पे लाठियों से पीटते। गोली क्यों नहीं चलवा दिया अशोक गहलोत आपने? कुछ लोग मर जाते, आपके कलेजों को ठंडक तो पड़ती, आपके उन सामंतियों के कलेजों को ठंडक तो पड़ती जिन लोगों ने इंद्र कुमार के साथ यह अन्याय किया। उनकी सोच को, टीचर तो समाज का दर्पण होता है, अध्यापक, हम आज भी गुरुओं का सम्मान करते हैं। मैं आज भी अपने गुरुओं के सम्मान में अपनी गाड़ी से उतर जाता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे आज यहां पहुंचने में उनका योगदान है। उस शिक्षक के बारे में भी ये समाज ऐसा ही सोचता होगा। मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक थे, उनके संस्कार, उनके विचार आज मेरे अंदर है। तो मैं सब कुछ छोड़ के शोषितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहां इस मैदान में हूं। लेकिन उस अध्यापक को, उसने तो उस पद को भी कलंकित कर दिया। तमाम तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं कि वहां ऐसी कोई मटकी घटना नहीं थी, उसने मारपीट नहीं की। और ये वो लोग हैं जो हाथरस में भी उन रेपिस्टों के पक्ष में खड़े थे। यहां जाति का इतना बड़ा महत्व है, उसके अपराध कम हो जाते हैं, उसके जाति के लोग उसके समर्थन में खड़े जाते हैं। और हम वो लोग हैं कि जब हमारे व्यक्ति से कोई गलती होती तो हम उसको खुद गिरफ्तार करवाते हैं, कहते हैं कि नहीं इसने गलत किया है। ये फर्क है हम और आप में। आप आज भी अपनी कुंठित मानसिकता को नहीं बदल पाए, आज भी आप हमें, आप चाहते हैं कि मोहताज बने रहें, आज भी आप हमें फटे हाल में, भुखमरी में, कुपोषण में, अन्याय में, जुल्म जाति का शिकार होते देखना चाहते हैं। आप आज भी चाहते हैं रेप हत्या हो समाज की और कोई आवाज ना उठाए, और हम ये नहीं चाहते। हम स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं, हम संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते ये सब चीजें करके रोके जाते हैं। क्या इसका एक स्पष्ट संदेश नहीं? कौन माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी जब उसके उसको ये पता होगा कि उस स्कूल में कोई वैसी दरिंदा बैठा होगा जो उसके बच्चे की जान ले लेगा? क्या ये हमें संदेश देकर डराया नहीं जा रहा है? तो डरे तो हम अंग्रेजों से भी नहीं, उनसे पहले मुगलों से भी नहीं, उनसे पहले और जितने भी शासक आए आर्यन, हम डरे तो किसी से भी नहीं, तो आपसे कैसे डर जाएंगे? मैं राजस्थान की टीम को कहता हूं, हर एक कार्यकर्ता, कि वो पहुंचे 18 तारीख में, क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की होगी। मैं किसी भी कीमत पे विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। मेरी लड़ाई सिर्फ किसी एक गांव की नहीं, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, और मेरी नहीं, हम सब लोगों की साझा लड़ाई है। वो जो लाठियां पड़ी हैं
वो लाठियां मेरे कार्यकर्ताओं की पीठ पे नहीं पड़ी है, वो मेरी भी पीठ पे पड़ी है, वो मेरी बहन के नाक पे नहीं पड़ी है, वो मेरी नाक पे भी पड़ी है, वो पूरे इस दलित समाज की पीठ पे पड़ी है, इस वंचित तबके की पीठ पे पड़ी है, उन सब साथियों की पीठ पे पड़ी है जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कमजोरों के रक्षक हैं, उन सबकी पीठ पे पड़ी है वो लाठियां, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये जाति का अन्याय सहा है, धर्म का अन्याय सहा है, उन सबकी पीठ पे पड़ी है। अशोक गहलोत जी ये सूद समेत आपको वापस करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि वहां जितना पुलिस फोर्स लगाएगा सब शेड्यूल कास्ट के मोस्टली लोग होंगे या बैकवर्ड माइनॉरिटी के, कि अगर हम उनके खिलाफ कुछ करें तो वो भी ना कर पाए कि जाति बीच में आ जाए। लेकिन विश्वास कीजिए अशोक गहलोत जी, जाति बीच में नहीं आएगी। जिन अधिकारियों ने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया, मैं उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। आप वहां से नहीं करोगे थाने से, मैं डीजीपी के दफ्तर के बाहर बैठूंगा जाके। अगर उसने आपका एसएसपी एडिशनल एसपी कोई भी शामिल होगा, हम सबके खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। अगर आप इस अन्याय में के मददगार आप हैं, उनके पीछे आप खड़े होंगे, तो हम आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। अगर आप वहां से रोकेंगे तो हम जुडिशरी के जरिए लड़ेंगे। और अगर आपको लाठी मारने का इतना शौक है तो मैं भी आऊंगा, आप मारना लाठी, आप लगवाना लाठी। मेरे कार्यकर्ताओं को क्यों पीट रहे हो? मुझे ही पीटो, सीधा एहसास कराओ कि आप हम दलितों की को जो के नेतृत्व खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपके चरित्र को देख चुका हूं, मैं आपकी सरकार के चरित्र को भी देख चुका हूं, मैं पूरे देश में जो सत्ताधारी दल है उनकी सरकारों को उनके चरित्र को देख चुका हूं, और मैं पूरे देश में जो जुर्म जाति अन्याय होता है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, जैन सिख बौद्ध पारसी ईसाई, इन सब के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, वो सारा अन्याय हम रोज देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके एक कार्यकर्ता है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के। लेकिन ये जो अन्याय आपने किया है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने राजस्थान के साथियों से कहना चाहता हूं कि इतिहास याद रखेगा, आपकी पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। इंद्र कुमार के परिवार को भी और जितेंद्र मेघवाल के परिवार को भी न्याय मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपकी ताकत के आगे, इस सत्ता में बैठे हुए लोग उस घर तक जाएंगे, इनके नेता उनके उस घर तक जाएंगे, उन घर के लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। मेरे जाने खबर से इतने बौखला जाएंगे कि ये वहां जा चक्कर काटते नजर आएंगे। लेकिन याद रखना, इन्हीं की सरकारों में आपके ऊपर ये लाठियां पड़ी, इन्हीं की सरकारों में ये रीट से लेकर तमाम भर्तियों में घोटाले हुए हैं, सीएचए के साथ अन्याय हुआ है, इन्हीं की इसी सरकार में जो है जितेंद्र मेघवाल के साथ अत्याय हुआ, झूठ बोला गया कि ये दे रहे हैं, ये कर मांग पूरी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखो किस तरह से जो है अन्य लोगों को मुआवजा और उनकी उनकी जो है उनको सुविधाएं दी गई। मुझे उनसे कोई परहेज नहीं, लेकिन अन्याय जब किसी एक के साथ होता है तो, या जब दूसरे किसी दूसरे के साथ भी होता है तो न्याय का पैमाना एक होना चाहिए। आप 5 लाख रुपए में हमारी हमारी हमारे भाई की हमारे बेटे की जान को खरीदना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमें वोट दिया है, हम देंगे जवाब इस बार। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आइए उदयपुर, जोधपुर, पाली, जालोर, तमाम जो साथी हैं, पूरे राजस्थान के साथियों से मेरी अपील है कि पहुंची और इस बार इतनी ताकत से लड़ेंगे कि सत्ताधारी दल को भी हमारी लड़ाई पर नाज होगा, उनको भी ये समझ आएगा कि हम राजनीतिक कम सामाजिक ज्यादा हैं। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वंचित वर्ग के, उनको भी समझ आएगा कि उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए न्याय महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों की जान महत्वपूर्ण है, उनके अधिकार महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा सुरक्षा महत्वपूर्ण। आप सबसे मुलाकात होगी 18 तारीख। जय भीम।